रूस के यूक्रेन पर हमले का असर बिजनौर में भी देखने को मिला, जहां सस्ते दामों पर MBBS की पढ़ाई का सपना संजोकर यूक्रेन पहुंचे छात्रों के अभिभावकों के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब रूस के अचानक यूक्रेन पर हमले की खबर सुनाई दी। दिन भर परिजन मोबाइल से चिपक कर अपने बच्चों का हाल चाल जानने में जुटे रहे। ननाव चल रही सेटिंग, बात चल रही है वहाँ, मगर घबराना मत, अपना आराम से पैसे वैसे लेके ना अपना सामान वामान लेके रख लेना वहीं। दरअसल बिजनौर जिले के नजीबाबाद, शेरकोट, अफजलगढ़, नूरपुर, सियोहारा और बिजनौर से सैकड़ों बच्चे MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन पहुंचे थे, जो अपने दिलों में डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना संजोए हुए थे। अचानक रूस के यूक्रेन पर हमला कर देने से छात्रों के अभिभावकों में हड़कंप मचा रहा, जो अपने लाडले बच्चों को विशेष विमान के जरिए भारत सरकार से वापस बुलाने की मांग कर रहे थे। बच्चों ने अभिभावकों को बताया कि ATM में पैसे खत्म हो चुके हैं, इमरजेंसी लग जाने से टैक्सी भी नहीं मिल पा रही है और बाजारों से अचानक खाने पीने का सामान गायब हो गया है। जलालाबाद निवासी डॉक्टर मशरूर, चेयरमैन यूरेशिया एजुकेशन लिंक प्राइवेट लिमिटेड भारत, ने यूक्रेन से फोन पर बताया था कि संस्था के माध्यम से बिजनौर जिले के सैकड़ों बच्चे MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन आए थे, जो विमान सेवा बंद होने के कारण यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास से संपर्क स्थापित कर मदद की जा रही है। मेरा नाम है डॉक्टर महमूद अहमद। देखिए, वहाँ हमारे एक भाई है जो यूरेशिया एजुकेशन लिंक है, उसके जो CEO है कंपनी के, वो डॉक्टर मसरूर अहमद हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट है इस टाइम पर, और बच्चों की पूरी देखभाल, उनको केयर उनकी करना, वो सारा काम कर रहे हैं। अभी कल हमारे 300 बच्चे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के वापस आए हैं, चार्टर्ड फ्लाइट करा करके उनको दी गई थी, लेकिन उसके बाद ही वहाँ कुछ ऐसा हमला हुआ जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट पे हमला होने की वजह से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उड़ान होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। परिजनों को जो हमसे जो भी कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। दूसरी चीज़, हमने अपना नंबर डॉक्टर मसरूर साहब का दे रखा है, बच्चों के साथ में डॉक्टर मसरूर वहाँ साथ में हैं, सब जगह बराबर साथ उनका काम कर रहे हैं। कहते हैं सरकार से कि सरकार इसकी व्यवस्था करे और बच्चों को यहाँ बुलवाने की व्यवस्था करे। वहाँ बच्चों का करियर का मामला है, उधर उनकी ज़िंदगी का मसला है, इन सारी चीज़ों पर जो है यूक्रेन सरकार से बात करके बच्चों को वापस भिजवाने का काम करें। मेरा नाम मोबिन सिंह। हाँ, वो बेटा MBBS प्रथम वर्ष का छात्र है, इवानो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। रात हमला किया है, सुबह जानकारी प्राप्त हुई, बच्चे से कंटिन्यू हम संपर्क में हैं। जहाँ पर बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में है वहाँ पर अभी वो सेफ है, लेकिन इमरजेंसी लगा दी गई है और मार्केट वहाँ की बंद कर दी गई है। हम बच्चे से निरंतर संपर्क में है, कंसल्टेंट से, एजेंसी और दूतावास के संपर्क में है कि हमारे बच्चा जल्द से जल्द सुरक्षित स्वदेश लौट के आ जाए। बच्चे से बात मेरी अभी लगभग एक घंटा पहले हुई है, उसने ये बताया कि यहाँ पर जो है वो इमरजेंसी लगा दी गई है, मार्केट बंद है और बाहर निकलने पर पाबंदी है, दो ही एक साथ बाहर जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते, भीड़ नहीं हो सकती, दो ही एक साथ जा सकते होंगे। तो उन्होंने मार्केट से अपने खाने की सामग्री वगैरह इकट्ठा कर लिया हॉस्टल वाले बच्चों ने, हॉस्टल में रख लिया। अब ये चाहते हैं कि भारत का दूतावास और भारत देश जो है हमारे बच्चों को सुरक्षित स्वदेश लेकर आए, क्योंकि वहाँ की जंग का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और बच्चों को कुछ किसी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस ना हो और बच्चे जो है सुरक्षित स्वदेश लौट गए। Time 24 न्यूज के लिए बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट। गाँव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार, क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत।